में सफलता हासिल की, बल्कि समाज सेवा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। टाटा ट्रस्ट के माध्यम से रतन टाटा ने शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और अनुसंधान में बड़े पैमाने पर योगदान दिया। उनकी परोपकारी गतिविधियों ने उन्हें जनता के बीच एक आदर्श नेता के रूप में स्थापित किया। टाटा न केवल अपने व्यापारिक कौशल के लिए जाने जाते थे, बल्कि उनकी सादगी और विनम्रता के लिए भी पूरे विश्व में तारीफ की जाती थी। उन्होंने हमें दर्शन कर सकेंगे, वहीं जहां गृह मंत्री अमित शाह भी उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उनके अंतिम दर्शनों के लिए पहुंचेंगे। वहीं भारतीय व्यवसाय जगत में इस वक्त शोक की लहर है। तमाम उद्योगपति हों या अलग अलग जो क्षेत्र हैं, उनकी शख्सियतें वो रतन टाटा को याद कर रही हैं। उनके योगदान को आज हर कोई याद कर रहा है, क्योंकि रतन टाटा ने सामाजिक तौर पर भी भारतीय व्यवसाय को, भारतीय अर्थव्यवस्था को जो सिद्धांत दिया वो सराहनीय रहा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हों, उपराष्ट्रपति हों, गृहमंत्री अमित शाह